हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं UPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट को लेके। तो इसके रिजल्ट को लेके जो है क्या अपडेट आया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको दो न्यूज़पेपर के जो है दिखाने वाली हूँ आर्टिकल की, उसके अंतर्गत जो है रिजल्ट को लेके क्या बात कही गई है। तो चलिए सबसे पहला लेते हैं। तो इसमें जो है लिखा गया है कि भर्ती रिजल्ट के लिए अड़े अभ्यर्थी। तो रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर जो है अभ्यर्थी जो है वो अड़ गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सोशल मीडिया पर जो है अभियान चलाया जा रहा है और परिणाम में देरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाती हूँ। तो इसके लिए जो है 2002 पदों पर जो है भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो है आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के जो परिणाम थे उसको 2 माह हो चुके हैं लिखित परीक्षा को, लेकिन रिजल्ट जो है अभी तक जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का यहाँ कहना है कि उनको 5 साल से जो है इस वैकेंसी का इसका इंतज़ार था और उसके बाद जो है अब UPSC जो है परीक्षा परिणाम में जो है देरी कर रहा है, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि रिजल्ट जो है 31 दिसंबर तक जारी हो जाना चाहिए था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल जो है 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक 3 चरणों में जो है आयोजित की गई थी और इसके बाद जो है आयोग ने 10 दिसंबर को उत्तर कुंजी भी जारी कर दी थी और इसके साथ ही अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ मांगी थी। आयोग ने जो है कुछ उत्तरों को जो है गलत उत्तर कुंजी भी जारी की कर दी थी, उसके बाद उसके लिए जो है आपत्तियां उनसे मांगी गई थी। तो लगभग 5000 जो है उससे अधिक आपत्ति जो है उनको ऑनलाइन प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो है उनको डाक द्वारा भी आपत्तियां भेजी गई है, लगभग 8 बोरों में जो है उनके पास आपत्तियाँ आई थी। अभी जो है उनके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, तो उसकी प्रक्रिया जो है चल रही है, लेकिन छात्रों को उम्मीद थी कि 31 दिसंबर तक जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जैसे कि अब जनवरी भी आधी से ऊपर बीत चुकी है लेकिन इसके परीक्षा परिणाम पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। तो इसके लिए जो है छात्रों ने जो है सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है, हज़ारों की संख्या में जो है ट्वीट किए गए हैं। वहीं UPSC को 1000 से अधिक जो है उनको ईमेल भी भेजे गए, तो ट्वीट किया गया है और ईमेल भी भेजे गए हैं। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग स्पष्ट करे कि रिजल्ट जो है कब तक जो है घोषित करेगा। इधर जो है आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उनका कहना है कि 27 विषयों की उत्तर कुंजियों पर आई आपत्तियों के निस्तारण की जो है प्रक्रिया चल रही है, तो विषयों की जो है संख्या है वो काफ़ी अधिक है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। तो प्रयास यही है कि निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होते ही फरवरी में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपके परीक्षा के परिणाम की जो बात कही गई है वो लिखी गई है कि फरवरी में, तो रिजल्ट जो है वो फरवरी तक आने की उम्मीद है और इसके बाद जो है आगे की इंटरव्यू की तिथियां जो है घोषित की जाएगी। तो अब यहाँ पे आप दूसरा जो है आर्टिकल वो भी देख सकते हैं, दूसरे समाचार पत्र में क्या दिया गया है इस रिजल्ट को लेके। तो रिजल्ट को ट्विटर पर डटे अभ्यर्थी। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विभिन्न विषयों में अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने और परिणाम घोषित करने के लिए जो है तो ट्विटर पर जो है #UPSC release result ट्रेंड कर रहा है। तो UPSC पर जो ट्विटर पर जो लोग हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं रिजल्ट को लेके। ये अभ्यर्थी लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए साक्षात्कार और अंतिम परिणाम का संभावित कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो जो ट्विटर पर ये अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तो उनको जो लिखित परीक्षा का परिणाम है उनको घोषित करने, साथ ही साक्षात्कार का परिणाम जो है साक्षात्कार शुरुआत करने का कब से शुरू होगा ये मांग कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने ईमेल से अपनी मांग आयोग के अध्यक्ष और सचिव को भेजी है। उधर आयोग के अनुसार एक सप्ताह में उत्तर कुंजी जारी करने की कोशिश है। देरी के पीछे एक कारण सही तरीके से आपत्ति नहीं मिलना है। कुछ अभ्यर्थियों ने विषय और प्रश्न संख्या का जिक्र किए बगैर ही सिर्फ प्रश्नों को लिखकर जो है आपत्ति भेज दी है। तो यहाँ इनका कहना है कि इनके पास जो है आपत्ति सही तरीके से नहीं भेजी गई है, जिसके कारण जो है उनको लेट हो रहा है, उनको छाटने में, उनको ढूंढने में उनको देरी लग रहा है। तो इस कारण जो है यहाँ पे रिजल्ट में उनकी देरी हो रही है, लिखित परीक्षा के परिणाम में वो देरी हो रही है। रिजल्ट को देख के यही कहा जा सकता है कि जो फरवरी तक है, यही चांसेस है कि आपके रिजल्ट जो है वो फरवरी तक शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट जो है फरवरी में आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो साक्षात्कार है वो मार्च से शुरू होने की उम्मीद कही जा सकती है। तो यही इन को देखने के बाद जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चलिए, UPSC की जो भी खबरें आती हैं आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।